नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है आपके काम की है, सब कुछ आपके लिए अपडेट कर चुका हूं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या.in के ऊपर। तो ये रहा वो लिंक, यहाँ पे आपको मिलेगी पूरी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के साथ आप लोग अगर अप्लाई करना चाहे ऑनलाइन तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई की डेट 1/6/2018 है, तो मेरे भाई थोड़ा सा वेट आप सबको करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए हम जानते हैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या होगा रिटर्न में, सब कुछ हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये रहा लाल कलर का बटन, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। आने वाले टाइम में भी जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब आएगी, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर कोई और भी सिविल है, तो आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए आपका छोटा भाई कह लीजिए या फिर बड़ा भाई कह लीजिए, वो हमेशा से तैयार बैठा होगा यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं आज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की 10वीं पास नौकरी के, हम बात करेंगे ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं। इसके अंदर आप लोगों को ग्रेजुएशन पास भी वैकेंसी मिल रही है, लेकिन उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आप सबको बताऊंगा। फिलहाल हम जो 10th पास वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे आप लोगों को कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी मिल रही है, यानी कि सिक्योरिटी की आप कह सकते हो। इसके अंदर आपको मेल के लिए 400-403 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 400-216 यानी कि 4216 वैकेंसी आपको फीमेल के लिए मिल रही है। इस एक बात को याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। इंडियन आर्मी की जैसे भर्ती होती है वैसे ही ये भर्ती होने वाली है, क्योंकि अगर रनिंग की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड दिए जा रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी का टाइम है मेरे भाई, तो याद रखना इस चीज को। ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailway.government.in है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए रखा गया है। रेलवे जॉब है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कीजिए, मेल एंड फीमेल अप्लाई कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। क्वालिफिकेशन तो सिंपल सी बात है, मैं बता चुका हूं 10वीं पास। अब एग्जाम की बारी है, पूरी डिटेल में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटीसी से शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर ही एग्जाम होगा, जिसमें उसके बाद आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और लास्ट में जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट जो है वो होने वाला है। तो यहां पे बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, लेकिन हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आपको एक वैकेंसी चाहिए ना कि 8619। तो भाई हिम्मत रखना और पीछे मत हटना, इस बार हासिल करके जाना कुछ। एग्जाम डेट अगर बात करें तो यहां पे आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। एग्जाम टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, टाइम पीरियड 90 मिनट दिए जाएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सिर्फ टिक लगाना यार, अक्कड़ बक्कड़ बम पे वो मत करना प्लीज, जिंदगी का सवाल है, तैयारी करके जरूर जाना यार। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में आपको मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग जी हां होने वाली है, 1/3 के हिसाब से। एग्जामिनेशन लैंग्वेज 15 आपको मिल रही है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, जो भी होती है, मलयालम, कन्नाडा, मराठी, गुजराती, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असामी एंड मणिपुर एंड पंजाबी, तो यार कौन सी आपको चाहिए ये आप चुन लेना। सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में से 50 मार्क्स आएंगे और अरिथमेटिक में से 35 मार्क्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 मार्क्स आपके यहां पे होने वाले हैं, तो कुल मिलाकर आपके हो जाएंगे 120 मार्क्स। फिजिकल टेस्ट 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में मेल के लिए, अगर फीमेल है तो 800 मीटर की 3 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप होगा 16 फीट का मेल के लिए और इसी के साथ अगर आप फीमेल हैं तो आपको लगाना पड़ेगा 9 फीट का। हाई जंप 4 फीट का मेल और 3 फीट का फीमेल के लिए। इनिशियल पे स्टार्टिंग में ही आपको जो मिलेगी 21,700 प्लस इसमें अलाउंस होते हैं डीए वगैरह डाल के, बहुत ज्यादा हाई सैलरी आपकी बनने वाली है मेरे भाई, तो थोड़ा सबर रखना, अच्छी खासी सैलरी बनेगी। क्वालिफिकेशन आपको बता दी, 10th पास आपकी होनी चाहिए। अगर कोई अभी अपेयरिंग कैंडिडेट है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, चलिए ये डाउट आपका क्लियर हो गया। एज लिमिट 18 से 25
25 साल है जो कि 1/7/2018 के बेसिस पे देखी जाएगी, यानी कि जुलाई के महीने में अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो तभी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप बाद में होंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 सालों की यहाँ पे छूट मिल रही है। फिजिकल स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर की हाइट मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी में हो तो मेल के लिए 160, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप हो गरीवाल, गोरखा, मराठास, डोगरास, कुर्मांस, ये कुछ कुमानीस है और अदर कैटेगरी जो भी है स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट के थ्रू जो है उनके लिए बात करें तो मेल के लिए 163 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर का फैलाव सिंपल कैंडिडेट के लिए और एक्सपेंडेबल फैलाने के बाद आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी है तो भाई 76.2, फैलाने के बाद 81.2 होनी चाहिए। वहीं जो अभी मैंने कैटेगरीज बताई आपको गरीवाल, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमांस एंड अदर कैटेगरी, तो यहां पे 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर ही मांगी गई है सिंपल कैंडिडेट की तरह ही। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बता दूं जो कि सपोर्टिंग होंगे, अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे अपनी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट यूज करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं आराम से। क्वालिफिकेशन के लिए 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट है तो भाई जरूर कर देना, जो कि फॉर्मेट बाय एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है वही चलेगा, यानी कि फॉर्मेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है वही होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन ये भूल जाओ, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। 2 copies ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ्स, भाई याद रखना इस चीज को। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसे छोड़ दो, ये है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं और वर्क करते करते अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के जो लोग होते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है तो भाई स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर हर स्टेट में ये एप्लीकेबल होता है, तो ये भाई सबको बनाना पड़ेगा। इसी के साथ फीस की बात करें तो यहाँ पे एससी एसटी एक्स सर्विस मैन और फीमेल माइनॉरिटी ईबीसी 250 रुपया रखी गई है, जिसमें से 250 की 250 वापिस हो जाएगी एग्जाम देने के बाद। 500 रुपया है बाकी सभी कैंडिडेट के लिए, जिसमें से 400 आपको रिफंड हो जाएगी। याद रखिए ईबीसी में अगर कोई आता है तो उसकी मिनिमम जो है इन्होंने 50,000 से कम मांगी हुई है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 1/6/2018 से, खत्म हो जाएगी 30/6/2018 से। जो लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डाउनलोड का लिंक, और जो लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए ये रहा डायरेक्टली लिंक। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद कुछ ओपन हो जाएगी आरपीएफ की वेबसाइट, यहां से कर लेना मेरे भाई ऑनलाइन अप्लाई के लिए। अभी इन्होंने लिंक जो है ये देखिए यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, तो बस यहीं से आप लोगों का जो लिंक है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करो, बहुत जल्दी ऑनलाइन की वीडियो भी दे रहा हूँ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो ना यार, तो दिल से सोचना क्या इस वीडियो को शेयर और लाइक करने के काबिल है या नहीं है। अगर है तो प्लीज करके जाना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए लेकर आता रहूं। बाकी दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को, जिसका नाम है साजन एनालिसिस। वो हमने नया चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा समझ आया क्या का एप्लीकेशन ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहे। बाकी और भी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की बहुत ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है, जरूर अप्लाई करें, लिंक आपको सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?